Hey guys, once again welcome back to all of you on Mirha Networks. I hope you all are healthy and wealthy. Friends, आज हम डिस्कस करेंगे HDFC Ergo मोटर जनरल इंश्योरेंस फॉर ट्रैक्टर्स. जी हाँ दोस्तों, ट्रैक्टर्स जो एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होते हैं और लोड कैरियर्स एज भी यूज कर सकते हैं, उनकी उनके लिए पॉलिसी HDFC Ergo देता है और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या नहीं होती, तो किस किस ट्रैक्टर के लिए कौन कौन सी पॉलिसी कैसे कैसे करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी जो भी है कंप्लीट डिस्कस होंगे इस वीडियो में. आप बने रहें इस वीडियो में एंड तक सो दैट कि आपके जितने भी डाउट्स हैं इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड ट्रैक्टर्स के वो सारे खत्म हो जाएं आज ही. तो वीडियो एंड तक देखें, अगर लाइक एंड शेयर जरूर कर दें अगर अच्छी लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें. चलें शुरू करते हैं. हम CC कार्ड के साथ इसको ऑथेंटिकेट करेंगे नेक्स्ट करके. इसके अंदर ये पॉलिसीज हैं मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज, इसकी ट्रैक्टर की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हम इस पर क्लिक करेंगे जाके. ठीक है, जब इसको क्लिक करेंगे इसकी कुछ ऐसे होम पेज को खुल के आएगा. मिसलेनियस दी कॉम्प्रिहेंसिव सब क्लास ट्रैक्टर इंश्योरेंस, ये इसका हेड होगा. तो उसके अंदर भी तीन टाइप की पॉलिसीज हैं, रिन्यू ट्रैक्टर पॉलिसी फ्रॉम अदर इंश्योरेंस. अगर आपके जो भी कस्टमर आएंगे उनके पास ट्रैक्टर है, उनकी ट्रैक्टर की इंश्योरेंस प्रीवियस पॉलिसी किसी और कंपनी का, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है. इसके अंदर पॉलिसी स्टार्ट एंड डेट, ठीक है, अर्ली क्लेम नो क्लेम बोनस जो भी होता है हमारे फोर व्हीलर्स में वही सेम अर्ली क्लेम इट्स नो या यस करना है उसके ऊपर. अगर किसी ने नहीं दिया तो उसका बोनस मिलेगा, जो भी है आप कंप्लीट डिटेल, लेकिन सही डिटेल्स डालनी है क्योंकि डेटाबेस होता है सभी इंश्योरेंस कंपनी का, सिंगल डेटाबेस भी होते हैं अलग अलग कंपनी होते हैं, बट डिटेल्स एक दूसरे के फैच कर सकते हैं जब हम पीछे मतलब ऑनलाइन डिजिटल दौर है. तो कंप्लीट अगर आप कुछ गलत डिटेल डालेंगे तो वो जब वेरिफिकेशन होती है क्रॉस चेक होता है तो उसमें अगर नहीं आए तो आपका कार वो क्लेम सेटल नहीं होगा. तो इसलिए जो भी डिटेल होंगे सबसे फेयर सब सही डिटेल्स डालनी है. ठीक है, व्हीकल ओनर इंडिविजुअल किसी का या ऑर्गेनाइजेशन का, कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर है. ये मैंने इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन लाइबिलिटी थर्ड पार्टी कंपनी मैंने प्रीवियस जितने भी मेरी इंश्योरेंस पॉलिसीज की वीडियो उनमें कंप्लीट डिटेल में डिस्कस की. अगर आपको इन चीज़ों में डाउट है तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, बट इधर भी मैं बता दूं इंडिविजुअल किसी अगर एक ने लिया हुआ है तो उसकी इंडिविजुअल पॉलिसी होगी. तो अगर किसी की ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी की वो गाड़ी हो तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप उसका लिंक करके दे सकते हैं. ठीक है, तो उसके बाद अपने पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना ही लेना है बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंश्योरेंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट, सेल इनवाइस डेट कब की है, मतलब फर्स्ट जब व्हीकल सेल हुआ था, जब आपने लिया था, खरीदा, परचेज किया था, तब की डेट डालनी है. उसके बाद मैनुफैक्चरिंग ईयर डालना है, रजिस्ट्रेशन सीरीज डालनी है, मैनुफैक्चरर नेम महिंद्रा का है, स्वराज का है, उसके बाद किस किस का आता है, बहुत सारे ब्रांड है ट्रैक्टर के, तो इनलिस्टेड होंगे सब, इधर डिटेल होंगे मैनुफैक्चरिंग नेम्स की. जब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन सीरीज डाल देंगे तो डिटेल भी खुलेंगे, ठीक है, मॉडल भी खुलेंगे, सम इन शॉर्ट कितने डालना है आपको, तो वो सब सर सारी चीज़ें आप इसमें डालेंगे. तो उसके बाद एडिशनल कवर भी आपको ले लेना है, ID फॉर नॉन इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज LPG CNG इसमें होती नहीं है तो इसके होता ही नहीं है कुछ. तो आपको ये सारी कंप्लीट डिटेल्स इसमें डाल के तो आपको प्रीमियम कैलकुलेट कर लेना है लास्ट में. ठीक है, ये था ट्रैक्टर की जो इंश्योरेंस पॉलिसी जब अगर प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी किसी दूसरी कंपनी की. अब सेकेंड ऑप्शन पर जाएंगे हम, बाय इंश्योरेंस फॉर न्यू ट्रैक्टर. कोई भी नया ट्रैक्टर आपका, आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैक्टर के इंश्योरेंस खोल रहे हैं, तो आप उनके साथ टाई अप रखें. जितने भी आप अगर किसी कस्टमर को आप एडवाइस करेंगे ट्रैक्टर लेंगे उसके साथ जाएं, उधर जाके उनकी उस नए ट्रैक्टर की इंश्योरेंस पॉलिसी भी कर लें. आपका भी बेनिफिट है, कस्टमर का भी बेनिफिट है, क्योंकि उसको सब्सिडाइज रेट पर पॉलिसी मिल जाएगी. अगर वहीं से लेंगे तो उनको महंगी पड़ेगी, अगर CSC एजेंट से लेंगे तो सस्ती पड़ेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट पोर्टल है इसमें आपको सब्सिडाइज रेट में पॉलिसी मिलती है. तो इसके अंदर भी आपको ट्रैक्टर की जो बेसिक डिटेल्स हैं, ओनरशिप ऑप्शन पूछ रहा है इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, तो बाकी बेसिक से डिटेल फॉर्म खुल के आएगा फिलअप करके, उसी टाइम आपकी पॉलिसी हो जाएगी. इसके आगे प्रोसीजर का इंस्पेक्शन का, तो इजिली फ्रेश गाड़ी आप उसी के उसी टाइम फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो विद इन 10-20 मिनट्स आपको अप्रूवल आ जाएगा, तो फाइनली आप पॉलिसी इशू कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हर्डल्स नहीं है. तो उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है, रिन्यू HDFC Ergo ट्रैक्टर पॉलिसी. किसी ने ऑलरेडी ट्रैक्टर की पॉलिसी HDFC Ergo से ही ले रखी है तो उसको सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस पॉलिसी नंबर डालना है, क्योंकि उसकी डिटेल HDFC Ergo की डेटाबेस पे ऑलरेडी होगी, तो सिर्फ उधर से रिन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको प्रीमियम पे करके पॉलिसी इशू हो जाएगी. तो ये सारे जितने भी VLE भाई हैं, कंप्लीट डिटेल्स में ट्रैक्टर की पॉलिसी बनाएं, ये सारी चीज़ें थी इसकी थिक एंड थिंस. तो आपको ये सारी डिटेल आराम से ध्यान से फिलअप करनी है पॉलिसी में, पॉलिसी बना के उसके बाद जो भी कस्टमर होगा उसको डिटेल में समझानी है. ठीक है, पॉलिसी इशू करने के बाद पहले सो दैट कि उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं.
तो उसको आपकी सर्विस भी अच्छी लगे, आपका बोलने का तरीका, आपका डील करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर जो भी होता है उसकी सबसे पहले वे ऑफ बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आपको ये सारी चीज़ें अपने अंदर लानी पड़ेंगी। अगर आप एक न्यू वीएलडी हैं तो आपके आपके अंदर एक बिजनेस मैन, आपको एक एंटरप्रेन्योर देखना खुद को, बहुत बड़ा बिजनेस आपके आप मालिक हैं। आप एक पोर्टल के अंदर आप हज़ारों बिजनेस कर रहे हैं, इंश्योरेंस का कर रहे हैं, उसके बाद बैंक का कर रहे हैं, उसके बाद सीएससी एकेडमी का कर रहे हैं, कितने मोर देन 100 सर्विसेज आप कर रहे हैं, तो आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं। जो करोड़ों की कंपनी के मालिक होते हैं वो एक ही कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन आप इधर सीएससी पोर्टल पे बहुत सारी कंपनी के ऑनर, एक हिसाब से आप एजेंट हैं, आप बिजनेस हब पूरा बना सकते हैं एक ही सेंटर में बैठ के। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है, आपको बिजनेस चलाना है, तो इसलिए आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, डीलिंग की ये वो सब कंप्लीट डिटेल्स होनी चाहिए आपके अंदर, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी। सारी सबसे पहले सारी नॉलेज लें, सारी चीज़ों की आपको खुद से पता होना चाहिए, सो दैट कि फ्यूचर में अगर किसी कस्टमर की आप पॉलिसी करते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो, उस बेचारे का कोई नुकसान ना कर दो, तो अपनी भी सर्विस अच्छी हो, आपके नेगेटिव पॉइंट्स ना बने, लोगों में आपका नंबर बन जाए। तो ये चीज़ें सबसे पहले आपको खुद में डेवलप करनी है, खुद में नॉलेज होनी चाहिए हर एक पॉलिसी की, उसके बाद ही आप इन चीज़ों पर काम करें। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आज की वीडियो जो ट्रैक्टर की पॉलिसी मैंने बताई HDFC Ergo मोटर जनरल इंश्योरेंस के लिए, तो ये थी, इसकी डिटेल्स मैंने डिस्कस की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय बाय।